हालेलुया। आज एक अहम टॉपिक के साथ कलाम खुदा में से हम सीखेंगे, और ये मौजू जो है वो सलातीन की दूसरी किताब में से मैंने आपके लिए लिया है। सलातीन सुल्तान की जमा है, और सलातीन की दूसरी किताब और उसका दूसरा बाब है, और उसकी पहली पांच आयात जो हैं जनाब पास्टर आसिफ हारून साहब के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे, और आप ध्यान से सुने, और जिनके पास बाइबल है वो खोलें, और जिनके पास नहीं है वो पूरी तवज्जो करें। जी जी, कलाम खुदा में यूं रकम है, और जब खुदावन एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया एलिशा को साथ लेकर जिलजाल से चला, और एलिया ने एलिशा से कहा, तू ज़रा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावन ने मुझे बैतेल को भेजा है। एलिशा ने कहा, खुदावन की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए, और अंबियाजादे जो बैतेल में थे एलिशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावन आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, एलिशा तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरू में आए, और अंबियाजादे जो यरू में थे एलिशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। बहुत शुक्रिया मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत सबके, आमीन। आज भाई ने जो आयात हमारे लिए पढ़ी हैं उनमें से जो की वर्ड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो ये है, तुम चुप रहो। वो क्या है जी अल्फाज? तुम चुप रहो। सब बोलें तुम। ये उन लोगों, उन नौजवानों, उन अंबियाजादों के बार बार कहने पर, जब उसे चढ़ाने के लिए, उसे डिस्करेज करने के लिए, हौसला शिकनी करने के लिए बार बार उसके पास आ रहे थे कि तेरा आका तुझसे जुदा हो जाएगा, तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी उनके लिए? तुम चुप रहो। इसको नोट कर ले, ये टॉपिक है तुम चुप रहो। और मैं गौर कर रहा था कि कभी कभी हमें अपने कान बंद कर लेने चाहिए, कभी कभी। कब? जब लोग मनफी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इबलीस विस्परिंग कर रहा होता है हमारे कानों में, ठीक है, मनफी गुफ्तगू कर रहा होता है, तो फिर हमें अपने कान बंद कर लेने चाहिए। और यही टॉपिक यहां से हम सीखेंगे कि तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। थ्री कैरेक्टर्स हैं यहां पर, तीन किरदार हैं, एलिया, एलिशा और अंबियाजादे। एलिया, एलिशा और अंबियाजादे। एलिया की सेमिनरी में एलिशा के अलावा जो बाकी स्टूडेंट थे वो अंबियाजादे थे, ये भी उसे सीखते थे, बाकायदा उससे तालीम पाते थे। तो जो लोग सेमिनरियों के खिलाफ हैं, जो खादिम या भाई या भगत या मुबशर जेड़े कहते हैं लोड़ ही नहीं सीखण दी, तो उनके लिए ये तालीम है कि पुराने अहदनामा में भी सेमिनरियों का कॉन्सेप्ट मौजूद है, और नए अहदनामा में यीशु मसीह से बाकायदा उसके शागिर्द 3 साल से ज्यादा सीखते रहे। अब गौरतलब बात है कि इससे बेशतर के खुदा एलिया को आसमान पर उठा ले, ये बात, ये खबर फैल चुकी थी हर तरफ,
कि एलिया जो है, जो मर्द ईमान है, मर्द खुदा है, मर्द दुआ है, वो आसमान पर उठा लिया जाएगा। और ये जो एलिया के स्टूडेंट थे, लेकिन ये वैसे स्टूडेंट नहीं थे जैसे एलीशा था, उसमें बहुत ज्यादा फरमाबरदारी थी। वो एलिया के, जब वो हाथ धोता पानी लेकर आ जाता था, सर्विंग हार्ट, खादमाना रूह। कई तो बड़े गुणवट्टे बन के बह रहे थे ना, भी सानू किसी की मदद ना करनी पवे, या अदब ना करना पवे, खादमों की खिदमत ना करनी पड़े, ये चर्च की खिदमत ना करनी पड़े। नो, ऐसे लोग कभी सरफराज नहीं होते। आप नोट करें, जो लोग आज सरफराजी है जिनके पास, उन्होंने किसी ना किसी जगह बड़ी ताबेदारी और फर्माबरदारी के साथ खिदमत की हुई है। अब ये अंबिया जादे हैं, और आपको पता अंबिया जादे से मुराद क्या है, नबियों की औलाद। वाह, हैरान कुन बात है कि ये नबियों की औलाद हैं, ये जो नौजवान हैं जिनको अंबिया जादे, यहां खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि वो अंबिया जादे थे, वो नबियों की औलाद थी। और कभी कभी देखा गया है खादमों की, टीचर्स की, रहनुमाओं के जो बच्चे होते हैं वो राइट डायरेक्शन में नहीं चलते, वो दुरुस्त सम्मत में नहीं चलते, उनके दिल दुरुस्त नहीं होते। एली काइन की मिसाल आपके सामने है। उसके बेटे खुदा से दूर थे और वो काम करते थे जो खुदा की नजर में बुरा है, जिसे खुदा नापसंद करता है। अब ये बार बार आते हैं और एलिया जो आसमान पर उठाया जाने को था, उसके शागिर्द एलीशा को बार बार कह रहे हैं, क्या तू जानता है कि तेरा आका तुझसे जुदा हो जाएगा। बज़ाहिर हमदर्दी लग रही है कि ये बड़े हमदर्द हैं एलीशा के, लेकिन इनके अंदर जो इनकी सोच है वो बड़ी मनफी है कि हुन तेरी मिनिस्ट्री खत्म हो जानी है, हुन तेरी खिदमत खत्म हो जानी है, क्योंकि तेरा लीडर जा रहा है, तेरा चेयरमैन, तेरा बिशप इस दुनिया से जा रहा है, अब तेरी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और कई दफा आपने अपनी जिंदगी में ऐसे तजुर्बात और वाकया देखे होंगे कि जब आपका सरबरा, आपका लीडर या जो शख्स आपको सपोर्ट करता है, पैसा देता है, वो आपकी जिंदगी से चला जाए तो आप बहुत मायूस हो जाते हैं। लेकिन एलीशा के अंदर ये बात मौजूद थी और उसका कामिल भरोसा था कि आज खुदा कुछ खास करने वाला है। और फिर वो उनको जवाब देता था, तुम चुप रहो। आपको भी जरूरत है कि जो लोग आपको मनफी गुफ्तगु आकर करते हैं ना, आपका ईमान खराब करने की कोशिश करते हैं, आप उनको यही जवाब दिया करो, तुम चुप रहो, अपने मुंह को बंद रखो। हमें कई दफा लोगों का मुंह बंद करने की जरूरत है, ना कि लोगों का, बल्कि इबलीस जो हमारे कानों में, हमारे जहनों में। और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि कई लोग झूठ इतना पसंद करते हैं क्योंकि वो झूठ सुनते हैं, और कई लोगों को झूठ सुन सुनकर वो भी सच लगना शुरू हो जाता है। तुसी नोट कर लियो, जब आप झूठ सुनना शुरू कर देते हैं, जब आप गॉसपिंग, जो लोग ऐप जोइयां चुगलियां करते हैं, बुराइयां दूसरों की करते हैं, जब आपको अच्छी लगती है तो वो आपको हकीकत लगना शुरू हो जाती है। आपको पता है इबलीस बागी अदन में आता था, जैसे खुदा ठंडे वक्तों में विजिट करता था, इबलीस भी विजिट करता था, और एक ही बात करता था, क्या खुदा ने वाकई तुम्हें मना किया है, क्या खुदा ने वाकई मना किया है कि तुम सारे दरख्तों का फल खाना, जो बाग के बीच में वो ना खाना। ते कुछ देर तो बाद अम्मा हवा नू महसूस होया कि गल तो ठीक कहन दिया है। अब गौर कर रहे हैं,
हम कई दफा जो मनफी बातें हैं, जो निकम्मी बातें हैं, जो हमें खुदा की राहों से दूर ले जाएं या दूसरों के खिलाफ भड़का दें, जब उन बातों पर हम गौर करना शुरू कर देते हैं तो वो बातें हमें हकीकत लगना, हालांकि वो झूठ होती हैं, लेकिन हमें हम उन्हें हकीकत ही समझना शुरू हो जाते हैं कि वाकई यह गल सही है, यह बंदा ठीक नहीं है, यह मैनू भी महसूस होया, क्योंकि आप उसको बार बार सुन रहे हैं। इबलीस बार बार आता है। मैंने पिछले दिनों भी बताया था जब हमने सीखा था बलाम के बारे में कि उस पर उसे जब कहा गया कि जा जाकर लानत कर, बलक बार बार उसके पास आया है। इबलीस यीशु के पास भी बार बार आकर कहता है फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए, यानी वो एक बार नहीं आता बल्कि और बार बार आकर आपके जहन में, आपके दिल में, आपके ख्यालों में, आपके कानों में वो मनफी गुफ्तगू करता है। और यही काम ये अंबियाजादे भी कर रहे हैं। अलीशा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तू क्या तू जानता है। और जब यरू शहर के बारे में खुदा ने कहा था कि तुम वर्शिप करके यरू की दीवार को गिराना, तो वहां पर भी उन्हें कहा था कि तुमने खामोश रहना है, कोई झगड़ा झुगड़ा नहीं किसी के साथ करना, सिर्फ प्रस्तुति करनी है और खामोश रहना है, ये दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि कई दफा कान बंद कर लेना बेहतर है, यानी बोले बन जाना। कई जगहों पर आपको गुंगे बनना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपको बहरे भी बनना पड़ता है, डेफ। और इस जगह पर यही सूरत हाल है कि अंबिया जादे उसे चढ़ाने के लिए आते हैं और उसका जवाब उनके लिए है तुम चुप रहो। इबलीस कई लोगों को आपकी जिंदगी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, मिसाल के तौर पर आपकी बीवी को, सिर्फ बीवी को नहीं शोहर को भी, शोहर को नहीं बल्कि आपके बहन भाइयों को भी, क्योंकि ये इंसानी जबिल्लत है कि वो मनफी बातों को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं। जो कुछ अच्छा हो रहा है उस पर लोग गौर कम करते हैं, और जो बुरा हो रहा है, जो नेगेटिव और मनफी हो रहा है, ये इंसानी जबिल्लत है, उसको लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं। आजकल कुछ सोशल मीडिया पर पेजेस हैं जो खादमों की करदार कशी करते हैं, करेक्टर असैसिनेशन के पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग उनको पसंद करते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। आप अगर ऐसे लोगों को देखेंगे सुनेंगे आप भी मनफी हो जाएंगे। मैं समझता हूं, मैं इस बात को मानता भी हूं कि खिदमत में, खादमों में, लोगों में, ईमानदारों में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन खुदा ने किसी को अदालत करने की इख्तियार नहीं दिया कि कोई शख्स किसी की अदालत करे। ये काम खुदा का है। और आपको पता है कि अदालत का इख्तियार, मैं पिछले दिनों गैर मसीह स्कॉलर्स को सुन रहा था, यीशु की आमदसानी को वो प्रीच कर रहे थे, टीच कर रहे थे अपने लोगों को, पता नहीं कहां से उन्होंने ये बातें ली हैं। यीशु दोबारा आएगा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन पूरी दुनिया ये नहीं जानती कि यीशु क्यों आएगा। कलाम में लिखा है अदालत का सारा काम बाप ने बेटे के सुपुर्द किया है। यीशु दोबारा आएगा और वो दुनिया की अदालत करेगा। यीशु का काम है अदालत करना, और ये अदालत का इख्तियार बाप यानी खुदा ने बेटे यीशु को दिया है। तो इसलिए आप अदालत ना करें किसी खादिम की, वो कोई भी हो सकता है। ये इंसानी जबिल्लत है कि वो झूठ को सुनना शुरू कर दे और उसे झूठ भी सच्चाई लगना शुरू हो जाती है। इबलीस आपकी बीवी को, आपके शोहर को, माँ बाप को, आपके बॉस को, आपके हमसाया को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है ताकि आप मनफी हो जाए। इस जगह पर अंबिया ज़ादे इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि अलीशा को डिस्करेज करें। वो काम जो खुदा करने वाला है और अजीब काम करने वाला है कि जब वो दोनों गुजरे हैं तो लिखे दरिया यर्दन को दो हिस्सों में उन्होंने कर दिया। एलिया ने अपनी चादर मारी। ये चादर क्या है? ये रूहानी स्पिरिचुअल कवरिंग है, ये इनॉइंटिंग है जो खादमों के ऊपर होती है।
ये चादर क्या है, ये स्पिरिचुअल कवरिंग है। और जब वो द्रे यर्दन को पार कर गए तो वो बार बार वो नजर रखे हुए कि मेरा आका मुझसे जुदा हो जाएगा। और जब वो घड़ी और वो वक्त आ गया तो मैं गौर कर रहा था इस पैसेज पर, उसने कहा कि अगर तू मुझे जाते हुए देख ले, शर्त क्या थी, अगर तू, पिछले दिनों आसिफ भाई ने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा बोला था अपने टॉपिक में लास्ट ये थर्सडे को, उसमें ये था कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना, यानी खुदा को पसंद आने के लिए फेथ ज़रूरी है और खुदा को देखने के लिए पाकीज़गी का होना ज़रूरी है। यस, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा को पसंद आएं तो बगैर ईमान के आप खुदा को पसंद, और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा को देखें तो उसके लिए आपको पाकीज़गी की ज़रूरत है। तो यही बात यहाँ पर है। एलिया ने एलीशा से कहा कि अगर तू मुझे जाते हुए देख लेगा तो मेरी ये चादर जो मुझसे गिर जाएगी मेरे ऊपर से, इसे उठा लेना, और जो तू कहता है, जो तू चाहता है कि मेरी रूह का दो गुना डबल पोर्शन हो, तेरे लिए हो जाएगा। ये काम होने वाला था और ये अंबिया ज्यादे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि अलीशा मायूस हो जाए, अलीशा बेदिल हो जाए, लेकिन उसे पता था कि खुदा एक अजीब काम करने वाला है, शिफ्टिंग होने वाली है, एलिया की इनॉइंटिंग ट्रांसफर होने वाली है, इंपार्टेशन होने वाली है, और खुदा इस इनॉइंटिंग को मुंतकिल करने वाला है। और जब कोई बड़ा काम होने वाला होता है, इबलीस आपकी जिंदगी में ज्यादा हमले करता है। और लिखा है उसने एलिया को आसमान पर से जाते हुए, आसमान पर जाते हुए देख लिया और उसकी चादर गिर गई और उसने उठा ली। और जब वो वापस दरिया पर आया है, दरिया यर्दन पर, हमने देखा है वो दरिया, और जिस जगह से एलिया उठाया गया, शायद साहब भी साथ थे, हम इकट्ठे थे, वो जगह हमने देखी है जहाँ से बगोले में से एलिया आसमान पर गया था। और लिखा है वो वापस आया। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, जब वो गुजर गए थे पानी फे चलना शुरू हो गया, अंबिया ज़ादे पीछे ही रहे। ये एक और तलब बात है, ये दोनों गुजर गए हैं एलिया और अलीशा, अंबिया ज़ादे पीछे ही रहे ने, ये जड़े बहुत नकमियां गल्ला करने वाले ने ये पीछे ही रहिंदे ने, ये खुदा की कुदरत दे तजर्बात नहीं हासिल कर सकते, उसकी हजूरी नू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मनफी सोच रखने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, नकम्मी गुफ्तगू करने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, ये पीछे रहते हैं, ये खुदा की कुदरत के कामों का तजुर्बा नहीं कर सकते। और जब वो वापस आया तो फिर अगला काम देखें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एलिया ने चादर मारी और कहा खुदामद एलिया का खुदा कहां है, फिर पानी दो हिस्सों में हो गया और अलीशा वहां से गुजर गया, और गुजरने के बाद पानी फिर चलना शुरू हो गया। और इन्होंने क्या किया, देखिए जरा 15 और 16 आज देखिए, आसिफ साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात सीखने वाले हैं हम यहां पर। फिर जब खुदा आपकी जिंदगी में गैर मामूली काम करता है, जी, जब उन अंबियाजादों ने, हाँ, जो यरू में उसके मुकाबिल थे, मुकाबिल थे यानी आगे नहीं गए थे, यरू में खड़े रहे हैं वो, अच्छा जी, उसे देखा, उसे देखा तो कहने लगे एलिया की रूह, ओ एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। प्रेज गॉड, अब वो मान गए कि एलिया की रूह जो है अलीशा पर ठहर गई है। वो बड़ा काम जिसके लिए नौजवान कमिटेड था, डिटरमेंट था, वो काम पूरा हुआ। फिर क्या हुआ जी, और वो उसके इस्तकबाल को आए। हाँ, फिर ये हालांकि नबियों की औलाद थी लेकिन उन्हें फिर अलीशा का वेलकम करना पड़ा, उसके इस्तकबाल के लिए आए। फिर और उसके आगे जमीन तक झुक कर, ये काम होता है जब आप वफादार रहते हैं, जो आपको सताते हैं, चढ़ाते हैं, तंज करते हैं, लेकिन वो जमीन तक झुक कर झुक कर उसे सिजदा किया, उसे सिजदा किया।
अगली आयत पढ़े जी, हुण फिर गड़बड़ करन लगे ने। और उन्होंने उससे कहा, फिर हुण अपनी असल गल ते आ गए, उन्होंने उससे कहा, अब देख तेरे खादिमों के साथ, तेरे खादिमों के साथ 50 जोरावर जवान है। 50 जोरावर जवान यानी नाल नौकर चाकर भी रखे हुए सी, पूरी टीम सी आगे। जरा उनको जाने दे कि वो तेरे आका को ढूंढे। फिर तंजबाजी शुरू कर दी, तेरे आका को ढूंढे। यानी वो इस गल मनल नहीं तैयार के एलिया आसमान ते गया। उन्हें क्या इतों उड़िया होना, उत्थे कितने डिग पे होना जाके। क्या कह रहे हैं सुने, जरा इनकी बातें सुने। वो तेरे आका को ढूंढे कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंत की रूह ने उसे उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी वादी में डाल दिया हो। कैसी निकम्मी सोच है। यानी पहले उदा इस्तकबाल कीता, फिर उन्हें सजदा कीता, है ना। यानी मनन भी देने, एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, तो ढिडों भी खराब ने। दूसरी गल भी नाल सुनाती कि इन्हू फिर तंग कर रहे हैं। अब गौर करें, इस जगह पर जो सीखने की बात मिल रही है कि कई लोगों के दिल इस कदर खराब हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं। वो अंबियाजादे हों, वो पादरियों के बच्चे हों, वो बिशपों की औलाद हो, वो मुबशरों की, वो साधुओं की, वो भक्तों की, किसी के भी बच्चे हों, अगर उनके दिल सख्त हो चुके हैं तो समझ लें उसे कोई नहीं बदल सकता। और ये भी ऐसे ही है सेमिनरी च रह के भी। कईयों मैं वेख्या सेमिनरी एवं बेड़ा कर की करते हैं, पैसों का तो टाइम का तो खिदमत फिर कोई नहीं करते। ये उनकी भी तस्वीर है जो लोग बिला वजह मिनिस्ट्री में आ जाते हैं कि मैं जी पादरी का मुंडा, मैं भी पादरी बनना है। ये तो खुदा का अपना प्लान है ना कि खुदा किसको किस जगह पर खड़ा कर दे, खुदा किससे कौन सा काम लेना चाहता है, ये खुदा का अपना तरीका है। अब ये उसके वेलकम के लिए भी आए हैं और फिर इन्होंने नकम्मी बातें शुरू कर दी हैं कि हमारे साथ और भी नौजवान हैं, तू इजाजत दे कि तेरे आका को, हालांकि आका इनका भी है, टीचर इनका भी है वो, लेकिन जो कुछ अलीशा अपने आका में से देख रहा था ये नहीं देख रहे थे। अजीजो, इबलीस जहनों में जहर घोल देता है। मैं सुन रहा था कि एक हिंदू नौजवान समुद्र में सुसाइड करने जा रहा था, खुदकशी करने जा रहा था। उसने रेडियो कान से लगाया हुआ था और बस यही कहते हुए जा रहा था कि मेरी जिंदगी बेमकसद है, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई कामयाबी नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, मैं मर जाऊंगा। खुदा का बंदा दिना किरण, वो जब लोगों के ऊपर वर्ड ऑफ नॉलेज प्रोफेसी करते थे तो नाम लेकर करते थे, टेवे नहीं, जैसे कई लोग टेवे लगाते, वो नहीं, एग्जैक्ट। जैसे कोई बहन है तो बताना है फलां बहन, उसका ये नाम है, उसने इस रंग के कपड़े पहने, फलां शहर से आई है, उसको उसके लिए खुदा का ये पैगाम है, वो फौरन निकल आते थे। फलां भाई है, फलां शख्स है, उसने इस तरह के कपड़े पहने, फलां शहर से आया, उसका ये मसला बाहर आ, मैं तेरे लिए दुआ करना चाहता हूं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता था। दिना किरण रेडियो स्टेशन पर दुआ कर रहा था और दुआ करते करते खुदा के पाकरू ने उसे बताया कि एक नौजवान समुंदर की तरफ जा रहा है और वो अपनी जान को खत्म करना चाहता है। और उस नौजवान ने चलते चलते अपने रेडियो का जो है बैंड चेंज किया, तो जहां पर दिना किरण दुआ कर रहा था वो बैंड उसने सुनना शुरू कर दिया। और जब वो समुद्र के करीब गया तो दिना किरण ने एग्जैक्ट वो बात कही कि एक हिंदू नौजवान है और वो समुद्र की तरफ जा रहा है और वो समझता है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, मेरी जिंदगी बेमकसद है और वो अपने आप को खत्म करना चाहता है। यीशु का पैगाम है उसके लिए कि यीशु ने तेरे लिए जान दी है और वो तेरी जिंदगी को यूनिक बना देगा, मुनफरद बना देगा, तेरी जिंदगी में बड़ा मकसद पूरा होने वाला है। उसने वहां से वापस लौट आया और उसने आकर इबादत में अगली में कहा, मैं वही हिंदू लड़का हूं जो समुंदर में जा रहा था और मैंने रेडियो पर आपका मैसेज सुना और आपकी दुआ सुनी और उस दिन मेरी जिंदगी खुदा ने बचा ली। इबलीस जहर घोलता है, आपकी जिंदगी को खत्म करना चाहता है, खुदा का मकसद आपकी लाइफ में खत्म करना चाहता है,
आपको डिस्करेज करना चाहता है। और जैसे मैंने कहा कि ये काम इबलीस किसी के जरिए से भी कर सकता है, वो बीवी हो सकती है, शोहर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी सहेली हो सकती है, आपका हमसाया हो सकता है, वो लोग जो आपके पास आकर नकम्मी और मनफी गुफ्तगू करते हैं, आपने एलिशा की तरह उन्हें एक ही जवाब देना है, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, हमें पता है खुदा बड़ा काम करने वाला है, खुदा अजीब काम करने वाला है। आखिरी बात करूंगा, खुदाम यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद, जिंदा होने के बाद जब वो आसमान पर उठा लिया गया, तो फिर शागिर्द जो थे उन पर भी मायूसी छा गई, और जो पतरस है वो जल्दी मायूस हो जाता, जल्दी बंदा उखड़ जाता, उन्हें जाल फड़िया, उन्हें कहा चलो हूँ तो कहानी मुक गई है, खुदा हम आसमान से चले गए ने, हूँ कि मौजे होने ने, तो कि भीड़ कड़ी होनी है, तो कि मौजे, तो कि रोटियां, तो कि नान चने बिरयानियां चलनिया ने, हूँ चल के मछलियां फड़ दें, जो पहले करते थे काम वही कर दें, और जाल मारता रहा इधर उधर, कोई मछली नहीं। और जब वापस आए तो यीशु मसीह ने उन्होंने कोयलों से भुनी हुई मछली तैयार की हुई, और वापस आए और मछली खाधी, ये वो मछली नहीं जी पतरस ने तो यूहन्ना ने फड़ी सी, ये वो मछली है जी यीशु ने फड़ी सी, और मुमकिन है फड़ी भी ना हो, वैसे ही कोलियां के उत्ते बन गई हो, वो मालक है जो मर्जी कर सकता है ये जरूरी नहीं वो पकड़ कर वहाँ रखे, वो खुदा है, वो कादरे मुतलिक है, वो सब कुछ कर सकता है। और पतरस ने ना पहचाना, यीशु ने आवाज़ दी, यूहन्ना ने पहचान लिया कि खुदावंत है। और फिर खुदा यीशु ने उसे पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? फिर हुण नवे सिरे तो काम शुरू हो गया, दोबारा काम शुरू करना सी ना, शागिर्दां नूं उस वड्डे मकसद लई तैयार भी तो करना सी। यीशु ने उसे कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने हाँ। फिर तीसरी बार उसने कहा, मेरे बर्रे चरा। यीशु ने उन्हें आदमगीर बनाया सी, वह फिर माहीगीर बन गया। इसी तरह बहुत सारे लोग अपनी मिनिस्ट्री में इबलीस की बातें सुन सुनकर मायूस हो जाते हैं, और वो फिर अपने पेशे में, अपने कारोबार में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आप तमाम बहन भाइयों को और नाजरीन को ये पैगाम और मैसेज देता हूँ कि अगर इबलीस आपके पास किसी भी रूप में आ जाता है और आपके कानों में नकम्मी बातें करता है, मनफी गुफ्तगू करता है, तो फिर आपने एक ही जवाब देना है, तुम चुप रहो। आए झुके।